अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एमआर नॉलेज सेंटर। एमआर नॉलेज सेंटर में खुश आमदीद। टुडे वी लर्न अबाउट पार्क स्टडी एमसीक्यूज पार्ट 4। मेंटिंगो चेल्मस फोर्ड इसलात कब मुतारिफ कराई गई? ऑप्शन ए 1920, ऑप्शन बी 1919 में, ऑप्शन सी 1918 में। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। मॉन्टिंगो चेल्मस फोर्ड रिफॉर्म 1919 में भारत में मुतारफ कराया गया था। यह इसलात मॉन्टिंगो चेल्मस फोर्ड के नाम से जानी जाती है क्योंकि इन्हें हिंदुस्तान के तमाम सियासी रहनुमाओं के साथ बातचीत के बाद हिंदुस्तान के बरतानवी वजीर खारजा मॉन्टिंगोर और हिंदुस्तान के वासराय चेल्मस फोर्ड ने मुतारफ कराया था। ১৯৪০ की करारदार पाकिस्तान के लिए आइनी सिफारिश की इजाज़त कब दी गई? ऑप्शन ए 23 मार्च 1946, ऑप्शन बी 24 मार्च 1946, ऑप्शन सी 23 मार्च 1940। इसका सही जवाब है 23 मार्च 1940। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की सालाना कॉन्फ्रेंस 1949 में मेरठ में मुनक़द हुई। इस कॉन्फ्रेंस में एक आइनी कमेटी तश्कील दी गई। इस कमेटी को अगले सालाना कॉन्फ्रेंस तक मुख्तलिफ आइनी सिफारिश मुतारफ कराने की जिम्मेदारियां सौंपी गई थी। 23 मार्च 1940 को इस कमेटी की जानिब से दी गई सिफारिशात की रोशनी में करारदाद पाकिस्तान पेश की गई। भारत में तुगलक फैमिली का बानी कौन था? ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक, जूना खान, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी जमीरुद्दीन तुगलक। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक। हिंदुस्तान में तुगलक ख़ानदान के बानी सल्तनत गयासुद्दीन तुगलक थे। सुल्तान मोहम्मद तुगलक का असल नाम क्या था? ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए बाबर खान, ऑप्शन बी गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन सी जूना खान। इसका जवाब सही जवाब है ऑप्शन सी जूना खान। सुल्तान मोहम्मद तुगलक का असल नाम जूना खान था। गयासुद्दीन तुगलक के ज़माने में कौन सा मशहूर मुसाफिर हिंदुस्तान आया? ऑप्शन ए इब्न बतूता, ऑप्शन बी हातिम ताई, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन कासिम। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए इब्न बतूता। एक्सप्लेनेशन में है, मशहूर अरबी मुसाफिर इब्न बतूता 14वीं सदी में सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक के दौर हुकूमत में हिंदुस्तान आया। बरे ज़खीर की पहली मस्जिद कहाँ तामीर हुई? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो में, ऑप्शन बी दबूल में,
ऑप्शन सी लखनऊ में। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी दबोल। बरे ज़खीर की पहली मस्जिद 711 ईस्वी में बनाई गई थी। जब मोहम्मद बिन कासिम ने दबोल पर हमला किया, मोहम्मद बिन कासिम ने दबोल पर बरे ज़खीर की पहली मस्जिद तामीर कराई। इस मस्जिद की बाकियात हाल ही में सिंध के इलाके बंबूर में मिली हैं। कांग्रेस ने भारत में अदम तामन की तहरीक कब शुरू की? ऑप्शन ए 4 सितंबर 1920, ऑप्शन बी 4 सितंबर 1921, ऑप्शन सी 4 सितंबर 1919। इसका सही जवाब ऑप्शन ए 4 सितंबर 1920। खिलाफत तहरीक के दौरान कांग्रेस ने हिंदुस्तान में 1920 को 4 सितंबर अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ अदम तावन तहरीक शुरू की। हिंदुस्तान की आज़ादी की तहरीक के दौरान बरसग़ीर के किस लीडर को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है? ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी राजू लाल। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू। हिंदुस्तान की आज़ादी की तहरीक के दौरान इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदर सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का लकब दिया गया। उन्हें यह खिताब उनके मशहूर तुन और असरअंदाज तकरीरों की वजह से दिया गया था। बरे ज़खीर के 4 वाइसराय कौन थे? बरे ज़खीर के 4 वाइसराय के नाम मंदरजा ज़ैल हैं। नंबर 1 लॉर्ड कॉर्निंग, नंबर 2 लॉर्ड कार्सन, नंबर 3 लॉर्ड मेंटो, नंबर 4 लॉर्ड माउंटबेटन। AT-57 की जंग आज़ादी को अंग्रेज़ों ने क्या नाम दिया था? ऑप्शन ए म्यूंटी माउंट मूवमेंट। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए म्यूटनी। अंग्रेज़ों ने इस जंग को बगावत कहा, जिसका मतलब है फौजी बगावत। किस मुग़ल बादशाह ने तारीखी बाबरी मस्जिद बनाई? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी ज़हीरुद्दीन बाबर, ऑप्शन सी नसीरुद्दीन हमायूं। इसका सही जवाब है ज़हीरुद्दीन बाबर। बाबरी मस्जिद मुग़ल सल्तनत के बानी ज़हीरुद्दीन बाबर ने बनाई थी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करें, और मज़ीद मालूमाती वीडियो हासिल करने के लिए और हर किस्म के पेपरों की तैयारी के लिए हमारे पेज को लाइक करें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आपका हामी व नासिर।